जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कोशिकांग में जो कोशिका का संरचना होते हैं उसमें जो केंद्रक तो हम लोग पढ़ चुके थे। उसके केंद्रक कोशिकांग में जो केंद्रक आते हैं वो केंद्रक केंद्रक से सटे हुए एक पीआर होता है, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका ना हिंदी नाम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहलाता है। जाल जैसे होता है वो जालिका कहलाता है। अब हम देखते हैं ये होता क्या है। तो देखो ये फैली हुई रहती है, ये एंडोप्लाज्मिक, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, शॉर्ट में हम लोग इसको ईआर कह देंगे। यही है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक हो गया और केंद्रक से सटे हुए ये जो है ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही होता है। ये हो गया केंद्र, केंद्रक में कहीं कहीं हॉल केंद्रक छिद्र रहता है, केंद्रक छिद्र देना पड़ता है, कहीं कहीं केंद्रक छिद्र होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो दो टाइप के होते हैं। पहले ये जान लें कि जाल की तरह फैली संग्रहित रहती है, संग्रहित रहती है, जिसमें कई प्रणालिकाएं रहती है, प्रणालिकाएं रहती है, तथा ये प्लेट काय होते हैं, प्लेट काय की तरह, मैंने प्लेट जैसे काया, प्लेट जैसे बॉडी काय जैसे होती है, यानी कि ये प्लेट, यानी कि देखोगे तो प्लेट फैली रहेगी तो प्लेट के समान, लेकिन पूरी जाल की तरह फैलल रहता है। ये केंद्रक से सटे रहते हैं, केंद्रक से सटे हैं, केंद्रक से जुड़े हैं और सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। केंद्रक को जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से ये जुड़े हैं, माने केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से ये जुड़े हुए हैं। अब जरा ये देख लेते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है SER, स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी माने इसमें एकदम पूरा फ्रेश क्लीन रहता है, चिकनी रहता है, फ्रेश रहता है इसको, इसमें अब फ्रेश क्यों रहता है तो विदाउट राइबोजोम के कारण, तो विदाउट राइबोजोम इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे ये चित्र में आप लोग देखते हैं, चित्र में जैसे इसमें जरा देखते हैं विथ राइबोजोम, मैंने राइबोजोम रहता है, तो देखिए राइबोजोम कहीं कहीं लगा दिए, ये राइबोजोम है, विथ राइबोजोम। इसकी खोज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो खोज करता है ना, खोज जो किया KR पोर्टर 1945 में किए थे पहली बार। इसका दूसरा नाम, अब एंडोप्लाज्मिक दूसरा नाम आर्गोप्लास्ट भी कहते हैं, आर्गोप्लास्ट भी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। खोज किसने किया था, किट रॉबर्ट पोर्टल इसका नाम था, 11 जून 1900 कुछ में इसमें इसका नाम शायद हुआ था, 11 जून। इसके जो है ना KR जो है ना, इसकी KR पोर्टर पोर्टर की जो जन्म था वो 11 जून 1912 ईस्वी में इनके जन्म हुए, KR पोर्टर के ही जन्म। ये कनाडाई अमेरिकी राष्ट्र थे, वहां के थे राष्ट्र के, यहाँ के नहीं। उसके बाद ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ किस में, तो जीवाणु के भ्रूण कोशिका जो होते हैं, जीवाणु के भ्रूण कोशिका उसमें नहीं पाया जाता, और नहीं आरबीसी में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं पाया जाता है। याद रखिए रीढ़धारी जो प्राणी होते हैं, मनुष्य या रीढ़धारी जितनी प्राणी आते हैं, जो जो आता है रीढ़धारी या प्राणी यकृत में कोशिका में विष निकलता रहता है, उस विष बनते रहते हैं, जो हम लोग भोजन वोजन खाते हैं तो कौन ऐसा भोजन के कारण कभी कभी विष भी, मतलब क्योंकि एक बहुत सारे प्रकार के भोजन खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं रीढ़धारी प्राणी, मानव भी रीढ़धारी तो खाते, तो विष जो बनता है यकृत कोशिका में उसको ही निकाल देता रहता है, अनिविक्स माने बिना विष के उस यकृत को पूरा बॉडी को सेल को कर देता, ताकि या सेल से बॉडी बने तो बॉडी को कोई नुकसान ना हो, इंसान माने की जीव बचा रहे। अब चलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं RER, जो प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं उसको हम लोग RER कहते हैं,
और जो कोशिका झिल्ली बनाते हैं वो SER होता है। तो देखो SER स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कोशिका झिल्ली बनाती है, कोशिका झिल्ली बनाती है, झिल्ली बनाती है एवं RER ये दुगो SER रॉग, इसको रॉग कहिए, रॉग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, जिसको खुरदरी, खुरदरी का मतलब राइबोसोम लगा हुआ है, तो ये क्या करता है RER खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, खुरदरी RER प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं, हाँ प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। अब देखिए और क्या करता है, तो ये ER लिख देते हैं, ER कोशिका द्रव को सहारा प्रदान करते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव को सहारा प्रदान करता है, प्रदान करता है, ये हो गया। इसके बाद ये क्या करता है, प्रसरण एवं विसरण में सहायक होते हैं, इसके बाद प्रसरण एवं विसरण, विसरण में मदद करता है, मदद करता है, ये करता है। दूसरा बात, पदार्थ के परिवहन में कोशिका द्रव के अंदर पदार्थ चलते रहे, कोशिका देखे हैं चित्र में पहले बैक वाले क्लास में बता दे, तो उसके अंदर जो द्रव होता है, कोशिका द्रव में जो पदार्थ आते हैं उसको संवहन परिवहन करते हैं। अब तो कहते हैं क्या करते हैं, पदार्थ का परिवहन, पदार्थ का परिवहन, परिवहन कहाँ, तो कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में जो पदार्थ है उसका ये परिवहन करते, ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये इतने पार्ट हुए, ये काम हो, काम क्या हो गया, तो प्रोटीन को संश्लेषित करना, इसके बाद क्या करता है, कोशिका झिल्ली को निर्माण करना, इसके बाद प्रसरण विसरण में मदद करना, पदार्थ के जो परिवहन होते हैं कोशिका द्रव में फैले हुए रहते पदार्थ, उसमें जो मिलते रहते पदार्थ बाहरी आते रहते जाते रहते कोशिका से बाहर कोशिका, उसमें सहायक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं SER, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका, इसको कहते खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका, ये होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला जो इसमें है, अगला हम पढ़ाएंगे जो भी कोशिकाएं, तो अगला अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके जस्ट बगल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा गया है, और श्वसन लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं या ऑक्सीजन आता है, तो मूलतः बनते कहाँ है, सांस लेने का ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन मूल रूप से कहाँ जाकर संश्लेषित होते हैं, उनका उपयोग कहाँ होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।